मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ. कंफ्यूज्ड इसीलिए बिकॉज़ ये प्यार ही बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है. क्योंकि जब बात प्यार की आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को प्यार को समझने में इतना टाइम क्यों लगता है. स्पेशली तब जब जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो हमेशा आपके सामने है. इट्स वियर्ड इजन्ट इट. अब पंखु और एडी जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जो दोस्ती से ज्यादा काफी कुछ है. अब वो क्या है वो इन दोनों को बिल्कुल नहीं पता. अब इन दोनों को नहीं पता तो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं. वेलकम टू ये है आशिकी सीजन 2 स्यापा इश्क का. लेट्स हैव अ लुक. तुम लोग ने लगाई थी ना, डोंट बी लूजर्स, चलो पैसे दो. लूजर्स, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना. हाँ, एक दिन सारा हिसाब निकालूंगी. ओह सो क्यूट. सपने देखना बंद कर दे, ठीक है? बड़ी हो जा पहले, फिर देखेंगे. ठीक है, चलो अब देखते. पैसे पैसे चल जाए. पार्टी पार्टी, मिल्क शेक पियेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट बताना. कितना इम्पोर्टेंट? लाइफ चेंजिंग इम्पोर्टेंट. बोल. मैं अमेरिका जा रही हूँ. वाह, एक और हॉलिडे. नो स्टूपिड, आज स्कूल स्कॉलरशिप मिल गई. दे हाई फाइव. तू खुश नहीं है? यूएस क्यों, तू दिल्ली क्यों नहीं जाती पढ़ने? क्योंकि मेरी मर्जी. मेरी मर्जी मतलब तू ये सब थोड़ी सोच सकती. ये बोगो, ये मिल्क शेक, बोलिंग, मुझे इस सबसे ज्यादा थोड़ी इम्पोर्टेंट है आर्ट स्कूल. एडी, ये सब मस्ती है. वो आर्ट है यार, वो मेरा करियर है, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है. और मैं क्या करूँगा अकेले इधर? तुम क्या करेगा मतलब? मर्चेंट नेवी ना. कॉन्स्टिपेटेड फेस मत बना प्लीज. अच्छा फाइन या, कल तो नहीं जा रही हूँ ना, अब टाइम है, चिल रिलैक्स. वहां जाके रोज फोन करेगी ना? ऑफ कोर्स नॉट. अच्छा बाबा करूंगी, हर रोज करूंगी, 5 times प्रॉमिस. ओके एडी, चल मेरे घर चल के कोई मूवी देखते हैं, यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है वैसे. मेरा मूड नहीं है. चल नाउ, नो एक्सक्यूजेस, गेट अप. यार मेरा मूड नहीं है. हाँ, तू जंगा में हार गया. दिस इज नॉट हैपनिंग. गेम है, यू विन सम यू लूज सम. कौन सी बुक पढ़ रहा है आजकल? क्या बड़ी फिलॉसफी निकल रही थी मुझसे? तू नहीं समझेगी. तो समझाओ ना मिस्टर ज्ञानी. क्या फायदा, तू तो जा रही है ना वैसे भी यूएस, मुझे अकेला छोड़ के. ओह माय गॉड एडी, व्हाट इज दिस? ए ए ए ए, तू क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं, देख देख देख. प्लीज अभी देना यार, अभी हम बच्चे नहीं रहे, इट्स प्राइवेट. टॉपिक पर चेंज कर, मैं तो बच्ची हूँ, तू तो बड़ा हो गया. पंकु यार तू पागल है यार. वो तो मैं हूँ. वेरी स्मार्ट.
तू बिना पूछे ना मेरी चीजों हाथ मत लगाया कर, दिस इज नॉट कूल। क्या बिना बोले, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है? दिखा ना। नहीं देख, मैं तेरे मॉम डैड को बोल दूंगी तू क्या करता है अकेले में। शी ग्रो अप, अभी हम बच्चे नहीं रहे पागल। ठीक है, तुझे ग्रो अप करना है ना। कल एक पार्टी भी है, पता है उसका थीम क्या है? क्या? मॉनसून। चलना चलना मजा आए। मैं नहीं आ रहा। तुझे कोई मिल जाए यार, तू ना सूट पहनना विद 200 स्पेंड कर। ए नो चांस, वो तो मैं पहने नहीं वाला। Staring at you. Behave yourself. क्यों? Staring करना crime है। काफी अच्छी दिख रही है यार। Thanks यार। तू भी अच्छा दिख रहा है। Nice white shirt. वो तो हमेशा है यार। अरे सुन ना यार, एक favor करना। मेरी एक drink ले आना। Please. Addy, you're drunk. No. Please. तेरी 6 drink है यार। तू मम्मी जैसे क्यों behave कर रही है? Hey, don't call me mummy. अरे चल, from last. पक्का bro. So. Last. Take care of my wallet. जल्दी आ। Excuse me, one more beer. Hey, Kankuri. What's up? Hi. How are you? Good. How are you? You look pretty. Look who's talking. Don't be silly. So, who's that guy? Who? Advan. Boyfriend. Addy. No, not boyfriend. Friend. Best friend. Okay, he's cute. Introduce us now. Of course I'm going to introduce her. Come. Addy. Shweta, Addy. Hi, I'm Addy. You look amazing. You look hot. As in, it was hot. Nice meeting you. Thank you. ये मेरे क्लास में बता देना तुझे. Anyway, you all chill, talk, get to know each other. अच्छा you all, मुझे डांस करना है, ठीक है? Bye, all the best. So, enjoying the party? तुमसे मिलने के बाद तो definitely enjoying the party.
एडी सुनाई नहीं देता क्या? मत यार पंकू, सर घूम रहा है। हैंगओवर का कोई इलाज नहीं है। प्लीज ना यार, मुझे परेशान मत करना प्लीज। एडी सुन ना, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? तू और श्वेता तो गायब ही हो गए पार्टी से। डूड कैन यू ड्रॉप इट, ये मेरी प्राइवेट बात है। प्राइवेट? हम दोनों के बीच में चीजें प्राइवेट कब से होने लगी? अभी मत पूछना यार पंकू, मैं बाद में आता हूँ। प्लीज बेल रिंग। I'm getting there, sir. I'm getting there. Thank you. Hey. Hi. Thanks a lot, yaar. क्यों? मुझे एडी से मिलवाने के लिए। Such a sweetheart. Sweetheart? क्या? तुझे पता है कल पार्टी में सब लड़कियां उसे हिट कर दी। But he's chilling with me. One second. What? No way. Pankhuri, is everything all right? Sorry sir. Okay guys, listen. आप सबको अपने portfolios ready करने हैं क्योंकि month end में मैं आप सबकी progress check करना चाहता हूँ. Okay sir. Are you serious? Yeah. I can't believe so. लड़कियां एडी पे हिट कर रही थी। व्हाट? हे पंकरी, हाउ आर यू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एडी से मिलने आई थी। एडी से? Hey, what's up? अच्छा सुन, श्वेता को हमारी तरह चिल करना सिखाना है तो इसलिए मैंने उसको इनवाइट कर दिया। Hope that's okay. Yeah, of course. So, come on, guys. तो मैं सोच रहा था उसको ड्रॉप कराऊं।
वाओ यार आदि, श्वेता मिली तो मुझे भूल गया ना। इंसान का दिल टूटने से जस्ट पहले सबसे तेज धड़कता है, क्योंकि कई कई बार दो लोग एक दूसरे से इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच का जो प्यार है वो उन दोनों के अलावा पूरी दुनिया को नजर आता है, बट उन्हें नहीं। और जब तक ये दिल की बात जुबा पर आती है तब तक मियां बहुत देर हो चुकी होती है। और यहां पर पंखुड़ी उसका जो दिल है वो कुछ ही समय में जेलसी की बारिश में डूबने वाला है। वाह, सी, हैव अ लुक। पंखू, कल शाम के लिए सॉरी, घर आ जा, लेट्स डू ब्रेकफास्ट टुगेदर। आदि, इतनी देर लगा दी यार, कॉल कर लेता यार। जल्दी करना यार, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा और दो ना जल्दी। हाय। यू हैव दिस पराठा, बहुत अच्छा। श्वेता, मैं यहाँ पे बैठती हूँ। कैन यू गो सिट समवेयर एल्स प्लीज? पंकु, एडजस्ट कर लेना, उधर बैठना। नहीं, मैं यहीं पर बैठूंगी। It's a tradition, right? तुम यहाँ आ जाओ। It's okay. चलो, अब जल्दी से नाश्ता शुरू करो। थोड़ा, this ये superb है। Thank you. Adi, butter this. And. तू पागल है क्या? ये क्यों किया? एक बार मांगती तो बटर दे देता ना। श्वेता को तू ऐसे देख रहा था जैसे अंडे के जैसे खा जाएगा। बिहेवियर सेल्फ आड़ी हो, तेरा ब्रेकफास्ट नहीं है। ब्रेकफास्ट व्हाट रबिश, हॉट है तो एडमायर ही करूंगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। पर मुझे प्रॉब्लम है। क्यों, तेरे को शादी करनी है उससे? बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रही है? देख ही तो रहा था ना, उसके लिए तेरी परमिशन चाहिए क्या मेरे को? ठीक है, तू उसे देख के खुश रह। तू पागल हो गई है, पागलों जैसी बातें कर रही है। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? और अगर कर भी रही हूँ तो मेरी मर्जी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जिसको भी देखूँ। तू क्या मेरी बॉस है? तू एक काम कर, तू प्लीज यार जा यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कर। जब दिमाग ठीक होगा ना तब आना बात करने मेरे से। As you wish, Ali. Bye. वापस मत आना। What?
मैं और एडी मूवी के लिए जा रही थी तो तुम आती तो उसे अच्छा लगता। ग्रेट ना, तो तुम लोग जाओ, मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हो? तू फिल्म के लिए क्यों नहीं आई? तेरा फोन क्यों बंद है? Are you serious? ये क्या है पंकू? एडी, तूने कहा था तुझे बात नहीं करनी, अब मुझे नहीं करनी, प्लीज यहाँ से जा। तू इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? प्लीज कैन यू चिल? चिल? मैं कोई फ्रिज हूँ क्या? ऑन ऑफ बटन है मेरा, जब तू चाहे मैं चुप रहूं, जब तू चाहे मैं बात करने लगूं, हाँ? Just for your kind information, मैं तेरी श्वेता नहीं हूँ जो तेरे आगे पीछे भागती रहूंगी, प्लीज यहाँ से जा। अपनी बकवास बंद करेगी प्लीज? प्लीज एडी, जैसे तेरी बिजी लाइफ है ना श्वेता के साथ, वैसी मेरी भी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है यूएस जाने की। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। और वैसे भी जाना तो मुझे है ना, तुझे किस चीज से फर्क पड़ रहा है? तेरे लिए तो कुछ नहीं बदलेगा ना, यू हैव श्वेता, राइट? तू एक काम करना, तू उसी के पास चले जा, तू इधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? चुप। तू जानती है तेरे जाने का मुझे कितना बुरा लगेगा? तू खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूं, चाहे तू माने या ना माने। आज तू, मैं और ये बोलिंग आली लग गई बेट। प्लीज कभी नॉट नाउ, मेरे 100 मीटर के रेडी से दूर हो जा प्लीज। डर गई ना? कभी अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुझे ही क्रम्बल करके बोल कर दूंगी, ठीक है? जस्ट गो नाउ। इतनी अपसेट क्यों? एडी से लड़ाई हो गई? नाम मत ले यार उसका, मेंटल हो गया है। Now let's talk like it. बता क्या हुआ? अगर कीकी तुझे छोड़ के किसी और लड़की के साथ चिल करे तो तू क्या करेगी? कीकी मेरा है जैसे आड़ी तेरा है। बाय हुक और बाय क्रूक मैं किसी और लड़की को कीकी की तरफ भी नहीं देखने दूंगी और तुझे भी नहीं देखने देना चाहिए। चाहे फिर उसके लिए तुझे विलन ही क्यों ना बनना पड़े। हेलो सर। हेलो, हाय, लेट्स गेट स्टार्टेड, आई वांट टू सी योर पेंटिंग्स, कम ऑन शो मी योर वर्क। We'll be right back.
सकती है? I have no idea. श्वेता बेटा, तुम्हारी एडी से कैसे मिला तुम? जी अंकल, पंखुड़ी ने मिलवाया था। बेटा तुम भी आर्ट्स पढ़ रही हो ना? Yes अंकल, it's very easy. I mean आप किसी भी पोर्ट्रेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट स्केच को आर्ट बुला सकते हैं। और वैसे भी मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आगे जाके आर्ट परस्यू करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। पंखुड़ी बेटा, तुम तो कह रही थी कि आर्ट बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है। क्योंकि मुश्किल है पापा। To be honest, आर्ट समझने के लिए पैशन और टैलेंट चाहिए, जो obviously तुम में नहीं है श्वेता। Stop it, पंकज। अरे मैं चलती हूँ। Thanks uncle, thanks auntie। Relax बेटा, रुको। श्वेता, please। श्वेता बात तो सुनो। क्या जरूरत थी ऐसे बात करने की? तू क्यों इतना भड़क रहा है? ओ सॉरी, तेरी गर्लफ्रेंड है ना वो, माफ कर दे यार। आंटी किसी बाबा को बुलाओ, पता नहीं इसमें भूत सवार हो गया, कुछ भी बोलती जा रही है। तुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, मेरी गलती नहीं है, भूत तुझ पर सवार है श्वेता का। यू नीड हेल्प नॉट मी। व्हाट डू यू मीन? प्लान कैंसिल तू करती है, फोन तेरा ऑफ होता है, यूएस तू जा रही है मुझे छोड़ के, और कहती है मुझ पर भूत सवार है। मैं तेरी जगह होता ना तो कभी लाइफ में यूएस नहीं जाता। What do you mean? मुझे तेरे साथ पूरी लाइफ नहीं काटनी है। Of course मैं US जाऊंगी। Good. तो तू जा। मैं भी पागल ही हूँ तेरे साथ पूरी लाइफ काटने के लिए। ऐसे कर, तू जा और कभी वापस ही मत आना। Cool.
दादी। आंटी, आंटी कहाँ जा रहा है? बॉलिंग करने गया है। क्यों? क्या हुआ बेटा? मरना चाहती है क्या? प्लीज सामने से हट, मेरे को तेरी कोई बात नहीं सुननी। प्लीज मेरी बात सुन ले, प्लीज। सॉरी कि मैं व्हाट? कि मैं जेलस थी। वो श्वेता मेरी आंखों के सामने मुझे तेरी लाइफ में रिप्लेस कर रही थी। सॉरी, मैं पागलों जैसे बिहेव कर रही थी। एडी, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर कांट लूज यू यार एडी, जस्ट कांट। प्लीज अंडरस्टैंड। सॉरी, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट लेट मी बी। प्लीज एडी, एक आखिरी बात। मैं चाहे अमेरिका में रहूं या यहाँ, तू शायद मुझसे बात भी ना करना चाहे, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहे, तू मुझे भूल जाए, पर मैं नहीं भूलूंगी। आई लव यू एडी, आई रियली लव यू। कश्मकश जाए किस रास्ते, ना रहा दिल पे बस, ना सही पता ना पता गलत है इश्क की बुरी। तुम्हारे दर्द कितने कॉम्प्लिकेटेड, उसे तू नहीं समझ आता, तुझे वो नहीं समझ आती। आज पहली बार उसने तुझसे डायरेक्ट बात की, लड़की टू लड़का, वो भी दिल से। पर तू इतना बड़ा इडियट है कि तू अब भी यही खड़ा है। जा उससे बात कर, वरना जब वो अमेरिका से आएगी किसी और के साथ, तू उसे फेस भी नहीं कर पाएगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर डूड, गो। कितना भगाएगी? बचपन से तेरे पीछे भाग रहा हूँ। जब तक तू मेरा उधार पूरा नहीं करेगी, तू यूएस नहीं जा सकती। What उधार? ये जो फोटो है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट किस, जो मैंने तुझे बचपन में दी थी। तो मुझे मेरी फर्स्ट किस मिलनी चाहिए, राइट? पर तेरी फर्स्ट किस तो श्वेता ने दी होगी ना। Idiot. श्वेता और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त है, we just good friends. हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। अब कुछ बोलेगी?
पार्टी पर अमेरिका जाना जरूरी है यार, मेरी पढ़ाई जरूरी है। तू जाना अमेरिका, देखो जितना टाइम लेना है ले, मैं तेरा यहाँ पे वेट करूंगा। वापस तो यही आएगी ना, मैं तेरा वेट करूंगा चाहे तू जितना टाइम ले। और तू मेरा वेट क्यों करेगा? Because I love you too. बचपन से अभी तक, अभी से हमेशा। Really? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। Addy, या तू कभी नहीं सुधरेगा। मुझे first kiss दे रहे क्या? Appointment लूँ? ठीक है, मैं जा रहा हूँ श्वेता के पास। No, no श्वेता। Love is complicated, but believe me, it's truly beautiful. You know, लोग कहते हैं कि प्यार को समझना बहुत मुश्किल या प्यार को निभाना बहुत मुश्किल। अगर मुझसे पूछा जाए तो किसी इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल। You know, कई बार हमारा दिल बच्चे जैसी हरकतें करने लगता है, और अगर आपका दिल भी ऐसा कुछ कर रहा है, बच्चे जैसी हरकतें, या आपको लग रहा है कि आपके दिल के करीब जो इंसान है वो आपसे बहुत दूर चला जा रहा है, दैट्स द पॉइंट। उस वक्त गुस्सा होने की बजाय एक ठंडी सांस लीजिए, लंबी सी, और अपने दिल से पूछिए, ब्रदर व्हाट्स अप। वेरी सिंपल, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपका दिल आपके लिए एक रास्ता बना देगा, जिस रास्ते पे आपको बस बेझिझक बिना किसी डर के चलते जाना, बिलीविंग इन लव। एक ऐसा रास्ता जो पंखों के दिल ने उसके लिए बना दिया। वेल, हियर वी आर। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल एंड अनदर इमॉर्टल लव स्टोरी, ओनली ऑन बिंदास। यह है आशिकी, स्यापा इश्क का। आई सी यू नेक्स्ट वीक।